गाइस ये मुझे रोज रोज कहती है ऑफिस छोड़ो ऑफिस छोड़ो अंधेरी तक डेली लेट करती है ये खुद से ही हेलमेट लिया है मैंने चलो प्यारा ही आता है ये सारे जो एरिया देख रहे हो आप ये सारे बिल्डिंग ये सब एकदम पॉश बिल्डिंग है और अभी मैं जो भाई के साथ लग के काम कर रहा हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है अगर आप लोग इसमें खरीदना चाहते हो या फिर रेंट पे चाहते हो तो आप मुझे तुरंत ईमेल करिए मीरा रोड में मैं आपको फ्लैट दिलाऊंगा मेरे को लेट हो रहा है इसको फर्क ही नहीं है टाइम पास कर रहे हैं चीयर्स 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 आज खाना ना नहीं बनाई है उस खुशी में चीयर्स तभी इतना लेट हो गया बहुत खट्टा है यार आज पहली बार इतना खट्टा तो पिया हुआ लेकिन ये आधा लो बहुत है घूमियो ना यार नहीं 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 बस 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 देखिए कैसे पुन 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 भागे जा रही है आपने डाउनलोड ही नहीं किया कभी कितने ओल्ड स्कूल टाइप हो अरे आज पूरी दुनिया पेटीएम लेके घूम रही है इधर स्कैनर लगाना पड़ेगा आपको वापस करना पड़ेगा अच्छा ये इंग्लिश वाला कितने का है कल दो चलेगा लेकिन कल मेरे लिए एक इंडियन एक्सप्रेस मंगा दीजिए भैया के पास स्कैनर नहीं है तो आज 5 रुपये का पेपर मैं उधार लेके जा रहा हूँ देखिए आज जो है कई ज़माने के बाद साले साहब आए हैं देखिए तभी मैं कहूँ इतने दिन से जो है मेरा सर दर्द ठीक क्यों था लोग बताते हैं कि जो है साले साहब जो है आधे सर दर्द होते हैं सही है क्या हमारे साले साहब ने भी यूट्यूब चैनल शुरू किया है और आपको बिहाइंड द सीन वगैरह दिखाते हैं सेट पे जा करके बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो इनके चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए ऐसा नहीं है कि जो है मेरे साले हैं तो मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ आप जेन्युइनली जाके देखिए कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए और कुछ कमी लगता है तो वो भी आप इनको सजेस्ट करिए भूल जाता हूँ तो सौरभ दुबे नाम से चैनल है यूट्यूब पे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए कुछ कमी रहे तो जरूर बताइए जिस तरीके से आपने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया मेरी जो कमियाँ खामियाँ खूबियाँ उन सबको आपने बताया तब आज मैं इस मुकाम पे हूँ वैसे आप इनको भी सपोर्ट कीजिए और बताइए तो बताइए ये क्या जो है दक्षिणा में क्या लाए हैं दक्षिणा में यही जो लाया हूँ ये चल रहा है ना खिचड़ी खिचड़ी गाँव में खिचड़ी बोलते हैं खिचड़ी अच्छा खिचड़ी आ गया है ओ, तो आइए जो है देखते हैं कि जो खिचड़ी के टाइम पे क्या होता है कि लड़की के जो भाई लोग होते हैं ना लेकिन कुछ सामान मैं नहीं लाया हूँ वो सुरमे को बाद में मिलेगा क्या क्या आता है अरे बाप रे देखिए ये लाई है इतना सारा नमकीन इतना खाएगा कौन लेकिन इतना बड़ा तिलवा बढ़िया बढ़िया आइटम दिख रहा है ये सब खरीद के लाए अरे खरीदने की क्या जरूरत थी घर पे बना होता तो बात अलग थी ये देखिए चकली ये है रेवड़ी ये है पेठा बनाना चिप्स मेन तो देखिए ये आपका लाई और ये रेवड़ी ये दो इम्पॉर्टेंट है खिचड़ी के फेस्टिवल के अनुसार तो मेरी भी सिस्टर यहीं बाजू में रहती है तो मुझे भी उनके लिए लेके जाना है तो अब इनको देख करके तो और ज़्यादा मैं मोटिवेट हो गया अब मुझे बोरिया भर के लेके जाना पड़ेगा बहन लोगों को जितना भी दोगे ना उससे आपको और बरकत मिलेगी कभी भी कमी नहीं पड़ी रहेगी अरे गाइज आपको एसएम के हेलमेट का मैं रिव्यू देता हूँ मैंने बहुत पहले जो है स्टड्स का हेलमेट लिया था सिटी राइड के लिए बट ये जो हेलमेट है ना ये लॉन्ग राइड के लिए सबसे बेस्ट है मोस्टली बहुत सारे राइडरों के पास यही वाला हेलमेट रहता है फुल ऑन सेफ्टी तो गाइस अभी मैं आया हूँ पेपर फ्राई के स्टूडियो पे ये तो एक्चुअली पता ही नहीं था कि मीरा रोड में भी पेपर फ्राई है अभी रिसर्च किया तब मालूम पड़ा एक घंटे के लिए ना वन डे के लिए अच्छा कल ये 11 o'clock स्टार्ट हो जाएगा सर इतना बड़ा पॉपअप हुआ है ना आज ही के दिन इनका पूरा रिनोवेशन का काम चालू है मुझे तो लगा कि चलो घर के पीछे है काम हो जाएगा कहीं जाना नहीं पड़ेगा अभी बोरीवली फिर जाना पड़ेगा गाइस एक जो पुरानी पद्धति है चाकू में धार लगवाने की वो आजकल देखने को मिल नहीं रही है तो वो एक भाई साहब हमारे सामने है जो कि चाकू में धार लगाते हैं है ना और चाकू बेचते भी हैं आप अरे बाप रे इतना बड़ा बड़ा निकालोगे तो आदमी डर जाएगा जरा चला के दिखाइए और
कैसे आप धार करते हैं। चलिए ये पत्थर का होता है पुराना ये। ओह इस चिंगारी से कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं। तो इतना बड़ा चाकू का धार लगवाई कितना होता है? अभी चार्जेस की बात करते हैं, कितना हो गया इसका? 10 रुपये में। और जैसे जो घर का जो चाकू होता है ये सब 10-15-20 ये चार्ज है। क्या क्या धार करते हैं, मतलब तलवार भी धार कर सकते हैं इसमें? बहुत अच्छा लगा देख करके कि अभी भी इस तरह का धंधा एग्जिस्ट करता है चाकू में धार लगवाने का, क्योंकि किचन में से चाकू कभी खत्म नहीं हो सकती, तो इसीलिए धार की जरूरत पड़ेगी। ए नवीश गुड मॉर्निंग, देखो बेडरूम से आके यहाँ पे सो गया। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं पोवई, मेरा काम है और आज सुरभि को मौका मिल गया कि मैं उसको इधर से उधर ड्रॉप कर दूंगा। तुमने बताया कि नहीं पहले, नहीं तो मैं तेरी रिक्वेस्ट को कल शाम को जहाँ पे गया था पेपर फ्राई में मीरा रोड का, वो बड़ा ही छोटा सा था, कुछ शूट करने को मिला ही नहीं, ऊपर से उनका रेनोवेशन का काम चालू था। पोवई का जो है पेपर फ्राई सबसे बढ़िया। तो अभी मेरे पीछे ही है पोवई का पेपर फ्राई, जो कि सबसे क्लासिक स्टूडियो माना जाता है अभी तक। पूरा इसका नक्शा देखो, हीरा नंदानी के एरिया में है ये, तो ऑब्वियसली ये अपने आप को भी बिल्कुल एक अच्छे स्टाइल में बना के रखेगा। गाइस पेपर फ्राई चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है ना उसमें खर्चा बहुत है, उसको अमीर वाले लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज का जो मेजर काम था वो तो हो गया, और अभी हम यहीं अंधेरी में आए हैं एक दोस्त से मिलने के लिए। बहुत दिनों से बस खाली प्लान बन रहा था, तो जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको चलो मिल लेते हैं। Hi, hi, hi. I was just checking कि मतलब कि कहीं मैंने Let's go out. हाँ, that'll be a better place to sit and talk. Okay. तो जिनके यहाँ गया था ना, तो वो बोले भाई साहब चलो बाहर चल के मिलते हैं, बाहर कहीं स्टारबक्स वगैरह बैठते हैं। तो अंधेरी ईस्ट के स्टारबक्स में आया और यहाँ पे कहीं पे पार्किंग नहीं है। आधे घंटे के बाद तो जाकर के कहीं पार्किंग मिली उस तरफ, वो करके आया। और यहाँ है अंधेरी ईस्ट का स्टारबक्स। वैसे वहाँ पार्किंग मिल गई है, अब अगर वहाँ से उठाया तो समझिए कि हमारी किस्मत में पता नहीं किस चीज़ से लिखी गई है। ये एक्चुअली वॉल स्ट्रीट है ना, इसीलिए। तो अभी जहाँ मैंने बाइक पार्क किया है, पता नहीं वहाँ से बाइक उठी है कि नहीं, एक बार चल के देखना पड़ेगा बाइक सही सलामत है कि नहीं। ये थोड़ा सा हट करके इस तरफ हाईवे है, और हाईवे से अंदर जाकर के मैंने बाइक पार्क किया था। जैसे यहाँ पे जो छोटी मोटी जगह होती है ना, इनको दे दोगे 20 रुपये तो ये पार्क कर लेते हैं। हाँ बची है, ये रही बाइक हमारी, सेफ है। नहीं तो क्या होता ना, RTO वाले उठा के ले जाते यहाँ वहाँ, उसके बाद फिर आपको 500 रुपये देना पड़ता, तो ये तो यहाँ का रूल है। अभी स्टारबक्स में हम लोग बैठे थे, सामने से कार जो है वो टो करके ले गया। Following a shadow down to the graveyard, wanna say a prayer.